गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा हमारे पाइथन में टपल्स और सेट क्या क्या होते हैं। ये हमारा इस वीडियो का पार्ट 10th है। आप लोगों ने अगर प्लेलिस्ट एक्सेस कर लिया तो बहुत अच्छा, नहीं करिए तो प्लेलिस्ट का एक्सेस कर लेना, मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा। तो बढ़ते अपने कोड स्क्रीन की तरफ। ये मेरा पाइथन शैल है, हम लोग फाइल क्रिएट करते हैं नई फाइल। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं टपल। टपल क्या होता है? हमारा पाइथन में कोई भी ऑर्डर्ड जो डाटा होता है, ऑर्डर्ड डाटा को, हमारा कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड डाटा जो हमारा अनचेंजेबल होता है, उसको हम टपल बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग टपल क्रिएट करते हैं, ठीक है। मैं लिखता हूँ दिस इक्वल्स टू, हमारा कोई भी टपल स्टार्ट करते हैं अगर हम, तो वो हमारे तो राउंड ब्रैकेट में, हम अपनी कोई भी टपल क्रिएट कर सकते हैं। मैं अपने टपल में थोड़ी सी भी वैल्यू दे देता हूँ। सबसे पहले हम दे देते हैं एप्पल वैल्यू, फ्रूट्स के नेम दे देते हैं एप्पल, बनाना, और हम दे देते हैं चेरी। ये मैंने एक अपने एक टपल क्रिएट कर दी। आप लोग इसी तरीके से अपने भी कोई भी टपल क्रिएट कर सकते हैं। टपल की जो हमारी इंडेक्स वैल्यू होती है, टपल की जो हमारी की वैल्यू होती है, वो हमारी उसकी इंडेक्स वैल्यू होती है। अगर मैं डिक्शनरी वाले, आपने मेरी वीडियो देखी होगी वर्किंग विद डिक्शनरी, उसमें जो हमारी इंडेक्स वैल्यू क्या होती थी, हमारी की वैल्यू हम उसमें डिफाइन कर देते थे। कोई भी हम लाइक हम लिखते हैं दिस इक्वल्स टू फ्रूट, फ्रूट का मैंने दे दिया यहाँ पर एप्पल। तो अगर मेरे को इसमें एप्पल प्रिंट करना है, ये मेरी एक डिक्शनरी होगी, इस डिक्शनरी मेरे को एप्पल प्रिंट करना है, तो मैं इसमें इंडेक्स वैल्यू दूंगा फ्रूट। अगर मेरे को टपल में इंडेक्स वैल्यू प्रिंट करना है, तो मैं इसमें इंडेक्स वैल्यू दूंगा जीरो। सो एक बार हम पहले इस टपल को प्रिंट करते हैं, प्रिंट दिस, फाइल को सेव कर लेते हैं, डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं, टपल एंड सेट। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर टपल विल टपल प्रिंट हो गया है, ठीक है। लाइक अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहूँ बनाना, सो बनाना मेरे इंडेक्स वैल्यू वन पे होगा, इसने मेरा बनाना प्रिंट कर दिया है। इंडेक्स वैल्यू याद रखना हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है। एप्पल की इंडेक्स वैल्यू हमारी जीरो है, बनाना की वन है, चेरी की थ्री है, जीरो वन टू, सॉरी चेरी की हमारी टू है, ठीक है। हमारी इंडेक्स वैल्यू एप्पल की हो गई जीरो, बनाना की हो गई वन, चेरी की हो गई टू, जीरो वन टू, और टोटल इंडेक्स वैल्यू हमारी इसमें थ्री, टोटल जो हमारी लेंथ हो गई इसकी थ्री हो गई। तो आप देख सकते हैं हमने इंडेक्स वैल्यू के थ्रू भी हमने प्रिंट कर दिया। अब अगर मैं इसमें रिवर्स प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है, अगर मैं एक बार ट्राई करके देखूँ कि मैं इसमें माइनस वन, अगर मैं यहाँ पे टू लिखता हूँ तो हमारा यहाँ पे चेरी प्रिंट हो जाएगा। लेकिन चेरी हम एक तरीके से और प्रिंट कर सकते हैं, हम उल्टा प्रिंट कर सकते हैं। लाइक ये हमारी जीरो हो गई, ये हमारी वन हो गए, ये हमारा टू हो गया। लेकिन अगर हम इसको रिवर्स में देखें, हम माइनस में देखें, तो माइनस वन की हमारी वैल्यू होगी चेरी। रन करके देखते हैं अगर माइनस वन, सो इसको आपने देखा, मैंने यहाँ पर माइनस वन दिया, इसने चेरी प्रिंट कर दिया। मैं माइनस टू देता हूँ, ये मेरा बनाना प्रिंट करेगा, इसने बनाना प्रिंट कर दिया। माइनस थ्री, इसने एप्पल प्रिंट कर दिया। तो इसी तरह से हमारे पाइथन में माइनस वे भी उल्टे भी प्रिंट कर वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। अब इसमें थोड़े से और फ्रूट्स ऐड करते हैं, तो बनाना के बाद हम लोग और कर देते हैं ऑरेंज, इसको बड़ा कर लेते हैं ऑरेंज। ऑरेंज के बाद हम लोग करते हैं कीवी, कीवी के बाद हम लोग मैंगो और मेलन। अब मैं यहाँ पे अगर लाइक मेरे को प्रिंट करनी है थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वैल्यू, तो मैं उसे कैसे प्रिंट करूँगा? मैं यहाँ से इंडेक्स वैल्यू दूंगा टू से स्टार्ट होके फाइव तक जाएगी। अभी मैंने पहले बताया कि एप्पल की इंडेक्स वैल्यू हमारी जीरो है, बनाने की इंडेक्स वैल्यू हमारी वन है, चेरी की इंडेक्स वैल्यू टू है। तो मेरे को प्रिंट कहाँ से कहाँ तक करना है? थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। मैं दोबारा रेड करके देखता हूँ, और ये देखिए इसने हमारी चेरी, ऑरेंज और कीवी हमारा प्रिंट कर दिया। थोड़े वैल्यू चेंज करके देखते हैं हम लोग, सिक्स डाल के देखते हैं, ये देखिए इसने हमारा एक वैल्यू और इंक्रीज कर दी। सो इस तरीके से आप लोग इसमें अपनी कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसमें रिवर्स में करना चाहूँ, लाइक मैं यहीं से माइनस माइनस ऐड करके हम लोग देखते हैं क्या आंसर आता है। ओके, सो माइनस टू और तो हमारी आएगी फाइव, अभी भी कुछ नहीं आ रहा, वन, हमारा लास्ट वाला मैंगो आ गया।
माइनस टू और माइनस वन से हमारा मैंगो आ गया। हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करते हैं लाइक फोर, ऑरेंज की भी मैंगो हमारे लास्ट के थ्री आ चुके हैं इसमें, हमारा इसमें मैंगो नहीं आया है क्योंकि हमारी इंडेक्स वैल्यू ने माइनस वन स्टार्ट की थी, वो हमारी इस वाली वैल्यू को स्किप कर देगा, इसके बाद की वैल्यू हमारी प्रिंट करेगा। सो अब हम देखते हैं हमारी टपल चेंज कर सकते हैं क्या, हम लोग टपल में कोई चेंजेस कर सकते हैं। लाइक मैं अगर इंडेक्स वैल्यू दे दूँ दिस डॉट टू इक्वल्स टू की भी, तो हम इसको भी कितने को रिमूव कर देते हैं, तो हमारी टू वैल्यू कौन सी होगी, चेरी वाली। तो एक बार पहले चेरी को प्रिंट करते हैं, प्रिंट दिस टू, और चेंज करने के बाद भी हम लोग देखते हैं ये हमारा चेंज होता है या नहीं होता। सिस्टम को एरर दे दिया, टपल ऑब्जेक्ट हैज सपोर्टेड इन आइटम असाइनमेंट। हम टपल में कोई भी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अभी भी हमारे पास एक ऑप्शन है टपल को चेंज करने के लिए। मैं एक वैल्यू इंसर्ट करता हूँ y इक्वल्स टू लिस्ट, लिस्ट में मैंने दे दी दिस, तो जो हमारी ये टपल है वो हमारी लिस्ट में चेंज हो गई। ठीक है, अब मैं देता हूँ y की वैल्यू y2 इक्वल्स टू कीवी। अगर मैं प्रिंट करता हूँ y को, लेट्स चेक, तो ये देखिए हमारा इसमें चेरी से रिमूव होके हमारी वैल्यूज में आ गई है। तो हम लोग डायरेक्ट किसी भी टपल में डायरेक्ट चेंजेस नहीं कर सकते, हमें टपल को चेंज करने के लिए सबसे पहले लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मैं चाहता हूँ हम इसको टपल को फोर लूप में प्रिंट करते हैं। ठीक है, फोर एक्स इन दिस, और प्रिंट हमारा करता रहे एक्स, इसने हमारा लगातार प्रिंट कर दिया। ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी सिखा रखी थी जिस टाइम हमने डिक्शनरी वाले यूज़ कर रहे थे। इसमें अगर हम लोग इफ एल्स का भी यूज़ करें, लाइक इफ बनाना, इफ बनाना इन दिस, इफ बनाना इन दिस प्रिंट, इफ बनाना इन एक्स करते हैं। ठीक है, इफ बनाना इक्वल्स टू एक्स, यस बनाना इज इन द लिस्ट इन द टपल, रन करते दोबारा, इसने हमको दे दिया यस बनाना इज इन द टपल। जैसे ही बनाना की वैल्यू में ट्रू हुई, इसने हमको बता दिया यस बनाना इज इन टपल। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को इसकी जो हमने टपल क्रिएट करी इसके मेरे को लेंथ पता लग जाए कि इसमें हमारी कितनी वैल्यूज इंसर्ट है। सो अगेन जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं अपने लेंथ फंक्शन, प्रिंट लेंथ, और मैंने इसमें दे दिया दिस, रन करते हैं, इसने मेरे को दे दिया फोर वैल्यू है। तो आप लोग चेक भी कर सकते हैं फोर वैल्यू है। हम लोग वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं इसमें, इस बार देखिए हमारी सेवन वैल्यू आ गई। तो लेंथ का हम लेंथ फंक्शन का यूज़ करके हम लोग इसमें चेक कर सकते हैं कि हमारी कितनी वैल्यूज इसमें है। ठीक है, तो टपल तो हमारी हो गई। अब हम देखते हैं सेट की तरफ, हमारे इसमें पाइथन में सेट्स क्या होते हैं। लेकिन सेट में बढ़ने से पहले हमारा एक टपल में डिलीट फंक्शन भी होता है। लाइक अगर मैं करता हूँ सबसे पहले हम लोग प्रिंट करते हैं दिस, ठीक है, इसके बाद डेल दिस एंड अगेन हम लोग प्रिंट करते हैं दिस को। अब देखते हैं मैं क्या एरर देता है, दिस इज नॉट डिफाइंड। ये मैं क्यों बताती, क्योंकि हमारा कोई भी जो ये हमारा वेरिएबल था, ये हमारी टपल थी, वो हमने डिलीट कर दी थी। ठीक है, अब वो डिलीट कर दी, उसके बाद हमको दोबारा इनिशियलाइज करनी पड़ेगी, तब जाकर हमारी उसमें टपल वैल्यू हमारी इसमें प्रिंट करेगा। सो अब बढ़ते हम लोग आगे सेट की तरफ, हमारे इसमें पाइथन में सेट्स क्या होते हैं। आई होप आपको टपल समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में करके बता देना। हम चलते टपल देखते हमारे इसमें पाइथन में, सॉरी हमारे पाइथन में सेट्स क्या होते हैं। सो क्या होता है, देखिए जो हमारा सेट होता है, ठीक है, वो हमारा पाइथन में कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर और अन इंडेक्स डाटा होता है। हमारा जो सेट में हमारा डाटा प्रेजेंट होता है वो हमारा किसी भी ऑर्डर में नहीं होता और ना ही इसकी कोई इंडेक्स वैल्यू होती है।
और जो हमारी सेट होती है वो हमारे कर्ली ब्रेस से स्टार्ट होती है। हम लोग एक क्रिएट करते हैं सेट, और उसमें नाम देते हैं एप्पल, एप्पल के बाद हमने दिया बनाना, बनाना के, और हमने एक को दे देते हैं चेरी। और मैं अगर इसको प्रिंट करूँ दिस, जिसको प्रिंट करते हैं तो हमारा इसने प्रिंट कर दिया एप्पल बनाना चेरी। अब अगर मैं इसको बनाना प्रिंट करूँ, इंडेक्स वैल्यू दे दूँ 2, तो इसने हमको बता दिया कि सेट ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग अब क्या होता है, देखिए हमारा जो सेट होता है वो इंडेक्स वैल्यू सपोर्ट नहीं करता, उसकी कोई भी इंडेक्स वैल्यू नहीं होती। अगर इंडेक्स वैल्यू नहीं होती तो हम उसके उस एक्सेस कैसे करेंगे? हम उस एक्सेस करते हैं फॉर लूप के थ्रू। हमने दिया फॉर लूप फॉर एक्स इन दिस प्रिंट एक्स। अब मैंने प्रिंट दे दिया एक्स, इसने हमारा प्रिंट कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी हमारा एक्स, इफ एक्स इज इक्वल्स टू चेरी, तो ये हमारा प्रिंट कर दे प्रिंट हेलो आई एम चेरी। अब चेक करते हैं, इसने प्रिंट कर दिया हेलो आई एम चेरी। सो देखिए क्या हुआ, हमारे पास इंडेक्स वैल्यू ना होते भी हमने एक वैल्यू को हमने पता लगा लिया कि हाँ हमारे इसमें इंडेक्स हमारे उसमें सेट में ये वैल्यू है। फॉर लूप का यूज़ करके और इफ एल्स का यूज़ करके हमें पता चल गया कि हाँ इसमें चेरी है। अगर हम लोग कुछ और ट्राई करते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं कीवी, ठीक है कीवी हमने चेक करा तो लिस्ट में कीवी नहीं था इंडेक्स में, तो इसने हमारा मना कर दिया कि कीवी हमें कुछ नहीं आउटपुट नहीं दिया क्योंकि हमने कुछ सेट ही नहीं करा था। अब हमारा इसमें जो हमारे कीवी सॉरी कीवी बोल रहा हूँ, जो हमारा सेट होता है, सेट को हम चेंजेबल कर सकते हैं, सेट को हम चेंज कर सकते हैं। एक बार आपने अगर सेट क्रिएट कर दिया, लाइक मैंने एप्पल बनाना और चेरी सेट कर दिया, तो मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। चेंज क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसकी कोई भी एक इंडेक्स वैल्यू नहीं होती, सेट की हमारी कोई इंडेक्स वैल्यू नहीं होती, जिसकी वजह से हम उसको चेंज नहीं कर सकते। बट हम उसमें आइटम्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐड कैसे करते हैं कि हमारे दो फंक्शन होते हैं, एक तुम्हारा ऐड फंक्शन होता है, मैं एक ऐड करता हूँ कीवी और प्रिंट करता हूँ दिस, प्रिंट करता हूँ दिस को। एक काम करते हैं, पहले इसके ऊपर प्रिंट कर देते हैं ऐड करने से पहले। ऐड करने से पहले हमारा कीवी ऐड नहीं हुआ था, और लेकिन ऐड करने के बाद हमारा कीवी ऐड हो गया। हम लोग कुछ भी ऐड कर सकते हैं और इसके बाद भी ऐड कर सकते हैं। अगर हमें डाटा बल्क में ऐड करना है तो हम लोग यूज़ करते हैं अपडेट का, अपडेट फंक्शन का। तो हम लोग लिखते हैं अपडेट, अपडेट के अंदर हम लोग लिस्ट बनाते हैं और हम लोग लिखते हैं कीवी, कीवी के बाद ऑरेंज, ऑरेंज हो गया, और हम लोग दे देते हैं मैंगो। रन करते हैं, अब आप देख सकते हैं हमारा इसने कहीं पर भी एरर सॉरी कहीं पर भी ऐड कर दिया। सबसे पहले हमारा बनाना आ गया, उसके बाद हमारा मैंगो आया, फिर कीवी आया, उसके बाद हमारा एप्पल चेरी और ऑरेंज। क्योंकि ये देखिए हमारा स्टार्टिंग में बताया मैंने आपको, जो हमारा टेपल हो सॉरी हमारा सेट होता है वो अनऑर्डर डाटा होता है, उसका कोई ऑर्डर नहीं होता, ना ही उसका कोई इंडेक्स वैल्यू होती है। अब हमारा आते हैं लेंथ कैसे चेक कर सकते हैं इसकी। अगेन सेम वही जो हमने अब तक यूज़ करते रहना है, हम लोग लेंथ फंक्शन का यूज़ करते हैं, वो चेक करते हैं हमारी वैल्यू क्या है। हमारी वैल्यू 6 है, और अपडेट करने से पहले हमारी वैल्यू क्या थी लेंथ हमारे सेट की, अपडेट करने से पहले हमारी जो सेट की वैल्यू थी वो 3 थी, अपडेट करने के बाद हमारी सेट की वैल्यू 6 हो गई। अब हम क्या हमारा इसमें एक चीज़ और होती है, हम लोग इसमें रिमूव फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा सेट होता है हम लोग कोई भी वैल्यू इसमें रिमूव कर सकते हैं। मैं देता हूँ दिस डॉट रिमूव कीवी, मैंने कीवी को रिमूव कर देता हूँ अपने सेट से। मैंने कीवी रिमूव कर दिया और प्रिंट करता हूँ दिस को, और क्या करता हूँ रिमूव करने से पहले भी प्रिंट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं रिमूव करने से पहले तुम्हारा कीवी प्रेजेंट था, लेकिन रिमूव करने के बाद हमारा कीवी हट गया। इसका हमारा रिमूव का तो एक डिसएडवांटेज भी है, लाइक अगर मैं यहाँ पे यहाँ से मैंगो रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैंगो,
रन करता हूँ तो ये हमारा रिमूव फंक्शन को एरर दे देता है कि आपका जो मैंगो है वो सेट में अवेलेबल नहीं है, ओके कंट्रोल जेड। लेकिन हम तुम्हारे इस चीज को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक और फंक्शन होता है डिस्कार्ड। डिस्कार्ड सबसे पहले ग्रेन रिमूव ट्राई करते हैं, हमारा कीवी रिमूव हो गया। हम लोग एक और ट्राई करते हैं, हम लोग इस बार मैंगो कुछ भी स्पेलिंग देते हैं। तो ये देखने में इसने प्रिंट कर दिया लेकिन हमको कोई एरर नहीं दिया। हमारा रिमूव फंक्शन जो होता है वो हमको एरर देता है कि अगर जो हमने रिमूव फंक्शन को वैल्यू पास करी, जो भी हमने फ्रूट का नाम पास करा है वो हमारा सेट में अवेलेबल होगा तो उसको रिमूव कर देगा, अवेलेबल नहीं होगा तो वो उसको हमको एरर दे देगा। लेकिन डिस्कार्ड फंक्शन ऐसा नहीं करता, वो हमारा हमने जो उसको वैल्यू दी है वो सेट में अवेलेबल हो या ना हो वो हमको कोई भी एरर प्रोवाइड नहीं करता। एक हमारा इसमें होता है पॉप फंक्शन, दिस डॉट पॉप। पॉप फंक्शन क्या करता है, जो हमारा लास्ट वाली इंडेक्स है, जो हमारे सबसे लास्ट वाली वैल्यू है उसको रिमूव कर देता है। अभी हमारी चेरी थी इसमें वैल्यू, तो सबसे पहले हम लोग इसको ऊपर भी प्रिंट कर देते हैं, लोग रन करते हैं। सो एप्पल, और हमारा इसने एप्पल रिमूव कर दिया। हम लोग एक बार और ट्राई करते हैं इसको और प्रिंट करते हैं। इसने सबसे पहले हमारा इसने चेरी रिमूव कर दिया जो हमारा स्टार्टिंग में था, उसके बाद हमारा इसने बनाना रिमूव कर दिया, हमारा अगेन स्टार्टिंग में था, अगेन फिर इसने हमारा एप्पल रिमूव कर दिया, वो हमारा स्टार्टिंग में था। तो पॉप फंक्शन क्या करता है, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको रिमूव कर देता है। और एक फंक्शन और होता है हमारे इसमें क्लियर, हमारे उससे क्या करते हैं एक बार ट्राई करते हैं क्लियर फंक्शन का, रन करते हैं। क्लियर फंक्शन हमारे जितने भी सेट में आइटम्स प्रेजेंट होंगे उन सबको रिमूव कर देगा। और अगेन एट लास्ट अगर हम लोग करते हैं डेल दिस और प्रिंट करते हैं दिस को, मतलब हमने जो हमारे सेट हमने डिलीट कर दिया, इस नगे हमको एक एरर दे दिया, दिस इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने दिस को डिलीट कर दिया था। सो आई होप आपको सेट और टपल दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं जल्दी मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून, हैव अ नाइस डे।